सर दो मिनट एक बिजनेस से कर लेते हैं फिर आपको। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 20th ऑफ दिसंबर 2018 हैड एग्रीड विदाउट एनी अमेंडमेंट टू द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म सेरिब्रल पैलेप्सी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज अमेंडमेंट बिल 2018 विच वॉज पास्ड बाई राज्यसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 12th of December 2018। सर मुझे दो पॉइंट उठाने, लंबा डिस्कशन नहीं करना चाहूँ। एक तो जम्मू कश्मीर के बारे में 356 का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से जम्मू कश्मीर में पहले एनिमेटेड सस्पेंशन में विधानसभा रखी गई, फिर गवर्नर रूल रखा, अब सेंट्रल रूल हो गया। तो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट दोनों हाउसेस चल रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और यहां कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस वक्त गवर्नर रूल से इसको राष्ट्रपति रूल लाना चाहे था, इस सदन में और दूसरे सदन में चर्चा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा और हमेशा चर्चा हुई, लेकिन कभी भी 3-4 महीने में इतनी, अब गवर्नमेंट ही डिस्टर्ब करती है, मैं गाली तो नहीं दे रहा हूं, जो हुआ है जो आपने किया है ये तो पता चलना चाहिए ना। आप हर चीज पे विपक्ष उठे और आप डिस्टर्ब करेंगे, आई एम वेरी सॉरी। तो इस चीज के बारे में यहां चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। एंड देन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हैज टेकन इट्स फाइनल शेप। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि विधवाओं की स्थिति पर हम बात करने जा रहे हैं। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन बिल है, पहले से यह चीज चर्चा में लिस्टेड है। कृपया अगर ये इस्तेमाल होगी कैसे, बिजनेस में पहले से प्राइवेट मेंबर के बिल, प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन पर बहस होना है और ये विधवाओं की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय तिरुचि शिवाजी के रिजोल्यूशन पर चर्चा आगे होनी है। प्रोफेसर मनोज झा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये चर्चा आगे बढ़े। कोई किसी की बात अगर नहीं सुन रहा तो ये सदन कैसे हम चला सकते हैं। कृपया हम आग्रह करेंगे प्रोफेसर मनोज झा जी से, जो अपनी जगह पर जाए और विधवाओं की स्थिति के बारे में बोले। प्रोफेसर मनोज झा जी, हम पूरी महिलाओं की लगभग 7% से अधिक संख्या विधवाओं की है। विधवाओं की स्थिति पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर इस पर आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो विधवाओं के बारे में चर्चा आगे बढ़ानी है। प्लीज डू द इसके अलावा किसी और विषय पर चर्चा की। प्लीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर झा साहब, आपका नाम है, मैं आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह होगा आपसे, प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन का एक मिनट आप सबसे मेरा आग्रह है, एक मिनट प्लीज बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। माननीय विपक्ष के नेता बड़े ही सम्मानित और जिनसे हम सब बहुत जानते समझते हैं, उस परंपरा के वाहक है, अपनी बात उन्होंने शुरू की, पर वो भी जानते हैं कि आज प्राइवेट मेंबर बिल रेजोल्यूशन पर बात होनी है और ये चर्चा विधवाओं के बारे में है जो कुल महिलाओं की संख्या के 7% से अधिक है। उन पर चर्चा आगे बढ़ने, मेरा आग्रह होगा आपसे कि महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो या विधवाओं की स्थिति का सवाल हो, इस पर तो हम बहस करें,
इस पर तो हम बहस करें मैं सूचना देना चाहूंगा माननीय, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल के लिए सरकार ने स्टेचुरी रेजोल्यूशन दिया है जिसे माननीय सभापति ने एडमिट कर लिया है, इस पर चर्चा होगी। मैं पुनः एक निवेदन, एक 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 मिनट सुनी जाए, इससे पहले नेता सदन बोले, क्योंकि नेता सदन ने स्वीकार कर लिया है इस पे हस्तक्षेप करने का। अभी नेता प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई है वो एक गंभीर विषय है, वो आप मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। राइट टू प्रिवेसी जो निजता का अधिकार है देश के सारे हर नागरिक का, जिसपे सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है कि जो राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार है, वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। देश की 9 एजेंसीज को और दिल्ली पुलिस को एक स्वीपिंग पावर दे दी गई है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि वो किसी का भी हर जानकारी, हर टेलीफोन, हर कंप्यूटर उसको इंटरसेप्ट करें, उसको मॉनिटर करें। कृपया अपनी बात संक्षिप्त में रखें। एक मिनट, ये भारत को पुलिस स्टेट बन जाएगी ये स्वीकार्य नहीं है। आप नेता सदन कहना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, आजाद साहब ने और आनंद शर्मा जी ने ये विषय उठाया है, मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि तथ्य ऐसे हैं कि उनके समक्ष भी और देश के समक्ष भी आने चाहिए। बेहतर होता कि विपक्ष पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लेता इससे पहले कि इस विषय को उठाने से। जब विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य उठाते हैं, उनका बोला हुआ हर शब्द उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, इट्स प्रेशियस, और इसलिए उसके तथ्य क्या हैं उनके लिए जानना आवश्यक है। तो इसलिए मैं उनको बतला दूं, जैसा आनंद जी ने कहा कि हर टेलीफोन, हर कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। आज से 100-150 साल पहले एक कानून बना था, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। उस एक्ट के तहत टेलीग्राफ, जिसमें टेलीफोनी थी, वो आपकी भी सरकार रही, हमारी सरकारें भी रही, देश भर में वो कानून चलता रहा। उस कानून के तहत जहां जहां नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मसले आते हैं तो कुछ एजेंसीज को इंटरसेप्शन का पावर रहा है, उसके लिए एजेंसीज नोटिफाई होती हैं। उसके बाद जब विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, तो उसके बाद जब कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हुए जिसपे आप कंप्यूटर के माध्यम से भी इंटरसेप्शन टेररिस्ट कर सकते हैं, तो पिछले 18 वर्ष पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 69 के तहत जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19(2) की रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्री स्पीच पे, उस कानून को बनाने वाले, जिसका आपकी सरकारों ने भी प्रयोग किया, अन्य सरकारों ने भी, हमने भी किया, वही शब्दावली आर्टिकल 19(2) से ले ली गई, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब इसके साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा होगा तो ऑथराइज्ड एजेंसीज को अधिकार होगा कि जैसे टेलीग्राफ एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी के केस में वो इंटरसेप्शन कर सकते थे जिसके माध्यम से हम टेररिस्ट पकड़ते हैं, वो आईटी एक्ट में जब आईटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगा तो वही अधिकार पैरेलल उसमें दिया गया। उसके कानून जब आनंद शर्मा जी मंत्री थे तो 2009 में यूपीए सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा। ये 2009 में कानून बने, उसकी रूल्स बने, और उस रूल्स के तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, नारकोटिक एजेंसी, डीआरआई इत्यादि, जो नोटिफाई हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी भी फोन या कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकता जिसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, तो ये ऑथराइज एजेंसीज हैं। तो तब से लेकर जब से एक्ट बना, दीज ऑर्डर्स ऑफ ऑथराइजेशन आर रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला रहा था। तो इसलिए कोई नहीं, प्लीज, इसलिए मैं दो सूचनाएं दे दूं, पहले दो चीजें कह दूं माननीय। पहली चीज आनंद जी, सो व्हाट यू आर डूइंग मिस्टर आनंद शर्मा इज मेकिंग अ माउंटेन वेयर इवन अ मोलहिल डजंट एग्जिस्ट। यू मस्ट नो दिस, एंड बिफोर
the leader of opposition and your word is precious, it is sacrosanct. So don't use it for a purpose where a power which you created, which is to be used in national security cases, now you are crying foul about that power. ये मेरे पास ऑर्डर है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कहीं शब्द नहीं है। मैं ये एलिमेंट्री चीजें हैं, ये ऑथराइजेशन ऑर्डर है, नेशनल सिक्योरिटी के शांति बनाए रखे। कृपया नेशनल सिक्योरिटी के प्रोविजन सेक्शन 69 में लिखे हुए हैं। मेरा निवेदन होगा कृपया शांति बनाए रखे। कृपया मुझे नेशनल सिक्योरिटी इज मेंशन इन सेक्शन 69। यू आर प्लेइंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज व्हाट यू हैव डन। बीजेपी की आदत। मेरा आग्रह होगा कि हम बीजेपी की जायदाद हो। मेरा आग्रह होगा कि हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हिंदुस्तान को यहाँ बैठे हैं, कम से कम विधवाओं की स्थिति पर हम बात करें। और जिनका कोई हिस्सा नहीं है उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाई, जेपी को जेल में बंद किया, वो आपकी पार्टी नहीं है। झोले खाते थे और नेशनल सिक्योरिटी की बात करते। कृपया नारे न लगाएं, अपनी जगह पर जाएं। कृपया अपनी जगह पर जाएं। इस पर आगे कोई बहस नहीं होगी। मैं आग्रह करूंगा कि विधवाओं की स्थिति पर मनोज जी अपनी बात आगे रखें। मनोज जी बोले, इस विषय पर कोई मैं आगे बहस की इजाजत नहीं दे रहा, कृपया शांति बनाए रखें। कृपया बैठे मनोज झा जी, इस बहस को आगे बढ़ाए सर। इसके अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। कृपया अपनी बात को, हम विधवा महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मनोज जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाए, आप कृपया आगे कहें। मनोज फॉर रेजिंग दिस इशू। रवि वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। आप बोलिए, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, इसके अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात पूरी करने का अवसर दिया। सर, हिंदुस्तान में विधवाओं की जो स्थिति है, सर उसको ठीक करा दीजिए। सर ऐसे क्या फायदा। सर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं और वही शोर में दब जाएंगी तो बहुत अत्याचार हो जाएगा। आप बोलिए, यही आवाज रिकॉर्ड पे जाएगी जो आपकी आ रही है विधवाओं के बारे में। सर भारतीय समाज में अरे दोनों पक्ष आगे हो लोग, कृपया शांति बनाए रखें। अरे सिन्हा सर, आप विधवाओं के बारे में बोलिए। जी सर। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि कुल हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 8% महिलाएं। मेरा आग्रह होगा कृपया शांति। जिनकी स्थिति समाज में बहुत खराब हो गई है केवल इसलिए कि उनके पति का निधन हो गया है। मेरा पूरा आग्रह है आप दोनों पक्षों से समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करें। अगर विधवा महिलाओं के बारे में भी हम चर्चा नहीं होने दे तो ये स्थिति कहां क्या संकेत देगी। सर, अरे आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रवि जी अपनी बात आप कहें। सर जो भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति है लगभग वैसी ही स्थिति परित्यक्ता महिलाओं की भी है। जरा ऑर्डर के लेकिन सर जरा ऑर्डर स्थापित कर दीजिए। सर जरा ऑर्डर करा दीजिए। आप बोलिए। सर बात जा रही नहीं है कायदे से। आप बोलिए, देश देख रहा है कि अगर हम विधवा महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो संसद में क्या हमारे। लेकिन सर हम विधवाओं के बारे में कह रहे हैं और उनके साथ में जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके बारे में भी कहना चाहते हैं। उनकी भी स्थिति विधवाओं के समान ही है, जिनकी शादी हुई थी लेकिन उनके पति लोगों ने उन्हें किसी कारणवश छोड़ दिया है। आज उनको परिवार का सहारा नहीं मिल रहा है, वो भी विधवाओं की तरह जी रही है लेकिन पता नहीं क्यों समाज की संवेदना उनकी तरफ नहीं मुड़ पा रही है। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे जो मीडिया है और जो समाज है वो भी परित्यक्ता महिलाओं की तरफ घूम के नहीं देख पा रहा है। सर ये पितृसत्तात्मक समाज है,
यहाँ संपत्तियों के और सत्ता के हथियार पिता के हाथ में होते हैं, और जब भी कभी पिता की मौत हो जाती है तो परिवार में जो संपत्तियां हैं और सत्ता नौजवान बेटों के हाथ में चली जाती है, और जो उनकी माँ जो विधवा होती है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सर, आज स्थिति यह है कि बहुत कम परिवार ऐसे बचे हैं हिंदुस्तान में जहाँ कोई विधवा नहीं है। कहीं माँ विधवा है, कहीं बेटी विधवा है, कहीं बहन विधवा है, कहीं पुत्र वधू विधवा है। तो विधवाओं का समाज बहुत बड़ा है। लेकिन सर, बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने विधवाओं की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त समाधान नहीं किए हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे ये पता लग रहा है कि लगभग 60% विधवाएं उस तबके से आती हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। सर, ये बहुत चिंताजनक बात है। अरे भाई, बात करने दीजिए आप लोग। सर, आप बोलिए, आप बोलिए। सर, हमारा गला साथ नहीं दे रहा है, इनसे बोलिए सही हो जाए। सर, आप आर्टिकल 259 देके इनको सजा दीजिए। अगर पूरा सदन सहमत हो तो मैं कर सकता हूँ सर, करा दीजिए। होता ये कि एक पक्ष उसके लिए सहमत होता है, दूसरा नहीं होता। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोल रहे हैं रवि जी, आप आगे बात बढ़ाएं। सर, आज स्थिति यह है, बड़ी समस्या है प्लीज कि ज्यादातर विधवाएं और परित्यक्ता महिलाएं, सर, इनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, और इनकी जो संपत्ति इनके नाम आ जानी चाहिए थी उसमें हेराफेरी होती है, और परिवार के दूसरे लोग अपना अधिकार उस पर जता लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और बड़ी दुखद स्थिति यह है कि काशी में, वृंदावन में आज जो विधवाएं वहां पर छोड़ी गई हैं वो ज्यादातर समाज के संभ्रांत तबकों की महिलाएं हैं जिनके साथ में अन्याय हो गया है। सर, जिस तरीके से गाय को दूध समाप्त होने के बाद लोग खाली छोड़ देते हैं, ऐसे ही माता के साथ भी लोगों ने सलूक किया है कि जब उसकी उपयोगिता उनको लगता है पूरी हो गई है तो उनको वो विधवा आश्रम में छोड़ आते हैं। सर, ये हमारे समाज की बहुत ही अपरिहार्य अंग है। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। मेरा फिर आग्रह होगा, आप सब कृपया बैठे। रवि जी, आप बोले। सर, इनकी सोशल सिक्योरिटी इश्यूज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी इस बात का आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय तिरुचि शिवाजी के साथ में कि इन महिलाओं के लिए जो हमारी विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता महिलाएं हैं, इनके सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट कानून बनाया जाए और ये बाध्यता की जाए, ये लाजमी बना दिया जाए कि जो भी लोग, जो भी समाज इन महिलाओं की उपेक्षा करेंगे या इनके ऊपर अन्याय करेंगे वो सजा के भागी होंगे। जो महिलाएं आज की तारीख में विधवाश्रमों में रह रही हैं, सर, मुझे बहुत अफसोस है कि सरकार ने उनके लिए जो प्रबंध पर्याप्त नहीं किए हैं। सर, मुझे लगता है एक आयोग बना करके विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं की जो स्थितियां हैं उसका मूल्यांकन कराया जाए और उनकी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनको सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए विशेष कानून बनाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज झा जी, कृपया अपनी जगह पर जाएं और बोलें। आप इसके पहले स्पीकर हैं, कृपया आपसे आग्रह है कि आप अपनी जगह पर जाएं और बोलें। प्रोफेसर केटीएस तुलसी, मेरा पुनः निवेदन है कि हम महिलाओं के बारे में आज बात करें, चाहे महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, विधवा महिलाओं का सवाल हो, कम से कम इस पर तो हम एकमत बने और बात करें। मेरा श्री टीके एस एलोगमन,
प्लीज रीड प्लीज pertaining to widows, one great section of the society, but how can I talk when the house is not in order, sir? Sir, please make the house speak, order, sir. He will speak only, your talk is coming on record, your speech is coming on record. Please. की जाती है वो इसका अनुकूल नहीं है, इस तरह ताली बजाना कहना, प्लीज कृपया आप अपनी जगह पर जाएं। ये जो हम सदस्यों से जिस कंडक्ट की अपेक्षा की गई है इस सदन में, हम वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं, कृपया अपनी जगह पर जाएं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज लगभग 7 दिन हो गए, 8वां दिन है, लेकिन हम देश की सर्वोच्च गरिमापूर्ण संस्था यानी उच्च सदन के सदस्य मिल रहे हैं और सदन नहीं चला पा रहे। कृपया प्लीज अपनी जगह जाएं। मैं पुनः उल्लेख करना चाहूंगा कि स्पेशल मेंशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे ऑनरेबल चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किए गए, कृपया अपनी जगह जाए। और यह चर्चा विडोज पर हो रही है, इसको हम कम से कम होने दें। सर प्लीज ब्रिंग द हाउस टू ऑर्डर सर। सर मैं आग्रह करूंगा कि कोई वक्ता इस विषय पर नहीं, माननीय मंत्री जी अपनी बात रखें। मंत्री जी इस विषय पर बोले। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर तिरुचि शिवाजी के द्वारा जो संकल्प लाया गया है, सरकार इस विषय में पहले से ही काफी कुछ काम कर रही है और देश भर में लगभग 416 शोधार्थ चल रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 416 शोधार्थ चलाए जा रहे हैं, जिनमें ऐसी महिलाएं जो परिस्थितियों की शिकार होती हैं, जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, गरिमा पद पूरी तरीके से वो अपना जीवन निकाल सकें, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता उनको वहां पर प्रदान की जा सके, उनको भोजन कपड़े सारी व्यवस्थाएं इन स्वाधार घरों के माध्यम से उन महिलाओं को दिया जा सके। सरकार के द्वारा इन स्वाधार घरों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि आप रुक जाए, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम इस बातचीत को किस हालात में आगे बढ़ाएं जब इस तरह का माहौल है। इसलिए द हाउस स्टैंड एट जॉन टिल 11 AM थर्सडे 27 दिसंबर 2018। ये लेते आइए।